जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो हम आज लोग क्लास करने जा रहे हैं, इसका मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर जो हमारा दूसरा रहेगा आदिकालीन काव्य धाराएं। अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में ये पूछा जरूर जाता है। इससे पहले मैंने आप सभी को पहला चैप्टर भी पढ़ा दिया था। अगर मैं बात करूं, अगर आप सभी को पहला चैप्टर देखना है तो आपको इस चैनल पर आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना, जैसे यहाँ पर होम लिखा है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट्स लिखा है, लाइव लिखा है, प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे सभी आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सभी को यहाँ पर BHDC 131, अगर आप देखेंगे तो BHDC 131 का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ से जाकर के आप पहले चैप्टर की क्लास को जरूर देख सकते हैं, उसका 2 वीडियो बना हुआ है और पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो इसको देखने के बाद आप जरूर जाकर के देख सकते हैं, उस क्लास को भी आप जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है आदिकालीन काव्य धाराएं, इसमें हमें जो पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं। तो अगर आप देखेंगे 2.3 में जो आपको दिया गया है काव्य धाराएं, जैसे सिद्धि काव्य क्या होता है, नाथ काव्य क्या होता है, जैन काव्य क्या होता है, रासो काव्य क्या होता है और अलौकिक साहित्य क्या होता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा काव्य धाराओं के बारे में बताइए, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या कई बार 10 नंबर में अलग से ही जैसे सिद्धि काव्य पूछ लेगा, या आपसे नाथ काव्य पूछ लेगा, या आपसे जैन काव्य पूछ लेगा, या आप सभी से रासो काव्य पूछ लेगा, इस प्रकार से। यानी सिंगल पूछेगा 10 नंबर में तो अलग अलग पूछेगा, जैसे सिद्धि काव्य क्या होता है, नाथ काव्य क्या होता है, या जैन काव्य क्या होता है। अगर पूरा पूछेगा 20 नंबर में आएगा ना, तो आपको चारों पांचों लिखना पड़ेगा। जैसे अगर 20 नंबर में पूछ लिया काव्य धाराओं के बारे में बताइए, तो आपको सिद्धि काव्य बताना पड़ेगा, नाथ काव्य या जैन काव्य या रासो काव्य, सारे बताने पड़ेंगे, ठीक है। उस समय आपको सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जहां से हमें पढ़ना है, देखिएगा 2.3 में काव्य धाराएं। देखिएगा हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था वह भारतीय इतिहास का मध्यकाल है। आप सबको बताऊं हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया गया है। तो हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है, आदिकाल यानी जिसे हम हिंदी इतिहास में पढ़ते हैं तो प्राचीन काल को, उसी प्राचीन काल टाइप से कह सकते हैं, उसको हिंदी साहित्य में आदिकाल बोला जाता। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसको भारतीय इतिहास में मध्यकाल कहा जाता है। धर्मोमुख सामंत समाज और सामंती समाज सचना मध्य, देखो अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जब मध्यकाल चल रहा था, मिडिवल जब टाइम चल रहा था, उस समय हमारे समाज में धर्म बहुत ज्यादा था। दूसरा क्या था, हमारा जो समाज था सामंती समाज था, समाज में सामंतवाद था। सामंतवाद का मतलब होता है कि एक राजा होता है और राजा अपने कुछ मंत्री संतरी रखता है या सामंत रखता है कि जो किसानों से खेती करवाते हैं और उनसे राजस्व जमा करते थे, उसी को बोलते हैं सामंत व्यवस्था। ये जैसे आप सबने जमींदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा कि जमींदार होता है जो किसानों से खेती करवाता है और जो किसानों का जो राजस्व होता है यानी कृषि कर होता है उसको राज खजाने में जमा करवाता है, इसी को सामंती समाज कहते हैं। तो भाई मेरे मध्यकाल में अगर आप देखोगे तो भारतीय समाज में धर्म बहुत ज्यादा है, धार्मिक क्रियाकलाप ज्यादा है और समाज जो है वह सामंती समाज है। हिंदी का प्रारंभिक साहित्य इन्हीं के बीच से निकला, यानी जब हमारे भारतीय समाज में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था और हमारा जो समाज था वह सामंती समाज था, उसी समय हम लोग कह सकते कि हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। यानी भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे जो मध्यकाल है, जब हमारे समाज में सामंतवाद है या हमारे समाज में धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा हैं, वही उसी समय कह सकते कि हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। यानी हिंदी साहित्य यानी जो हिंदी लिटरेचर है उसकी यहीं से शुरुआत की गई। सिद्धि नाथ और जैन कवि, जैसे आप सब पढ़ रहे हैं, जैसे सिद्धि कवि हैं, नाथ कवि हैं, जैन काव्य है, तो भाई ये कवि थे। उस समय किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, तो अगर आप देखेंगे जैसे सिद्धि कवि थे, नाथ कवि थे, नाथ संप्रदाय होता है, एक संप्रदाय है जैसे नाथ संप्रदाय, उसी प्रकार से सिद्धि, उसी प्रकार से जैसे जैन धर्म है तो जैन धर्म या जैन कवि जो थे, भाई जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, जो साहित्यिक चीजें लिखी, वही तो जैन काव्य है, ठीक है। देखिएगा
सिद्धिनाथ और जैन कवि अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिनिधि थे। भाई चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे सिद्धि है, चाहे नाथ है, इन्होंने अलग अलग धार्मिक चीजें बताई हैं अपने बारे में। जबकि रासो जो कवि थे, ठीक है, वो विभिन्न राजाओं के दरबारों से जुड़े थे। अगर जो रासो काव्य है वह राजाओं से जुड़े हुए दरबारियों की कविताएं हैं, रासो काव्य यानी राजाओं के बारे में जो बताया गया है, जिन कविताओं में या जिन काव्य में राजाओं का गुणगान किया गया है या राजाओं का बखान किया गया है, वो रासो काव्य है। अगर हम लोग बात करें जैसे सिद्धि काव्य है, नाथ काव्य है, जैन काव्य है, तो इसमें धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा है, इसमें धार्मिक चीजें ज्यादा हमको दिखाई देती कविताओं के माध्यम से। जो रासो काव्य है उसमें राजाओं का गुणगान है उन कविताओं में, उस कविताओं में, ठीक है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं में से रासो, सिर्फ रासो कवि की रचनाओं को महत्व दिया। अगर आप देखोगे जितने भी काव्य, चाहे हमारे जैन काव्य है, चाहे हमारे नाथ काव्य है, चाहे हमारे सिद्धि काव्य है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने सिर्फ जो रासो काव्य है उसी को महत्व दिया है। अगर आप देखेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, भाई हिंदी साहित्य के बहुत बड़ा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करोगे तो इन्होंने सिद्धि काव्य जो है, जो नाथ काव्य है, या जो जैन कवि है, इनकी उपेक्षा के पक्षधर नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ काव्य, सिद्धि काव्य और जैन कवियों के भी पक्षधर हैं, ठीक है। उनके अनुसार केवल नैतिक और धार्मिक आध्यात्मिक उपदेश को देख करके यदि हम किसी ग्रंथ को साहित्यिक सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें भक्ति काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमें जो धार्मिक कविताएं हैं उनको भी साहित्य में जोड़ना चाहिए, हम लोग उसको साहित्य से बाहर नहीं रख सकते हैं। अगर हम लोग धार्मिक कविताओं को अगर हम हिंदी साहित्य से बाहर रखने का काम करेंगे तो जो भक्ति काव्य है या जो पूरा भक्ति काव्य है उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा, यानी उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, तुलसी भी से भी अलग होना पड़ेगा। भाई तुलसीदास की जो कविताएं हैं, तुलसीदास के जो काव्य हैं, वह तो भी अवित पूरे एक प्रकार से धार्मिक ही है ना। कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा, वह जायसी है, तो कबीर का या जायसी का, तुलसीदास का, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर कोई हिंदी साहित्य में कहता है कि जो धार्मिक कविताएं हैं या साहित्यिक नहीं है, लिटरेचर में नहीं आ सकती हैं इनका, तो कह सकते हैं कि चाहे वो कबीर दास जी हो, तुलसीदास जी हो, ठीक है, या जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पूरा नाम है, इन लोगों को भी भक्ति काव्य से बाहर कर देना पड़ेगा, ठीक है। मध्य युग के साहित्य की प्रधानता धर्म साधन रही। देखो मध्य काल में जो भी कविताएं लिखी गई, क्या बोला मैंने, मध्य काल में जो भी कविताएं लिखी गई या जिस प्रकार की कविताओं का लेखन किया गया, ज्यादातर जो कविताएं थी वह धार्मिक ही रही, धार्मिक साधना थी, धर्म का उसमें बहुत ज्यादा बोलबाला है। मध्य काल में जो भी काव्य लिखी गई, जो भी कविताएं लिखी गई, उसमें धार्मिक उपदेश है, धर्म का है, या भक्ति भाव बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है। प्रधान प्रेरणा के रूप में धर्म साधना भक्ति काल में देखी जा सकती है। यानी जितनी भी कविताएं मध्य काल में लिखी गई उसमें धार्मिक चीजें या धर्म के प्रति जो साधना है वह हमें ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है या दिखाई देती है, ठीक है। सिद्धि काव्य हो या नाथ कवि है, चाहे सिद्धि काव्य है चाहे नाथ कवि है, की रचनाओं की ऐसी अनेक प्रवृत्तियां हैं, ऐसी अनेक कविताएं हैं जिनमें भक्त कवि को ने अपनाया है। यानी ये जो काव्य है, चाहे नाथ काव्य है या सिद्धि काव्य है, इसमें जो कवि है वह एक प्रकार का भक्ति में लीन है, ईश्वर की भक्ति में हमको लीन दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो उस समय भैया जो कविता उविता लिखी जाती थी ज्यादातर ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की वंदना, ईश्वर की प्रार्थना में कह सकते हो, ज्यादातर कवि जो कवि थे वो काव्य लिखते थे। नाथों द्वारा वह आडंबर का विरोध किया गया। देखो भाई जो सिद्धि कवि हैं, सिद्धि कवियों ने जो सिद्धि काव्य हैं, उन्होंने जो आडंबर है, जो पाखंड है धर्म में, उसका विरोध किया। इसे कबीर ने भी अपनाया। देखो अगर आप देखोगे कबीर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन पर भी कटाक्ष करते हैं, साथ में कबीर इस्लाम धर्म में, ठीक है, वहां पर भी जितनी कुरीतियां थी या जो बुराइयां थी उस पर भी उन्होंने बराबर लिखा है।
अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर हिंदुओं के साथ साथ हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, दोनों धर्मों में जो आडंबर थे या जो पाखंड था इस्लाम में या जो प्रकार का कट्टरवाद था, या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को उन्होंने एक नजर से देखा है और दोनों धर्मों में जो पाखंड थे आडंबर थे कबीर ने दोनों पर कटाक्ष किया है। नाथ की तरह तुलसी का दृष्टिकोण समन्वयकारी है। अगर नाथ कवियों को देखोगे तो तुलसीदास की तरह है भाई, तुलसीदास तो हमें भक्त कवि ज्यादा दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय एक संप्रदाय है, साधु संतों का संप्रदाय है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय की अगर बात, आप इसे आप ज्यादा समझ पाएंगे नाथ कौन कवि कौन है या नाथ संप्रदाय क्या है, आप उसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय के जो कवि हैं वो लगभग तुलसीदास, यानी उनमें भक्ति भावना ज्यादा है, काव्य के गुण ज्यादा हमें, कविताएं तो है लेकिन ईश्वर के प्रति स्तुति या ईश्वर के प्रति जो आराधना आडंबर है उनमें। तुलसीदास भी आडंबरकारी है, परमात्मा को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन कबीर बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। कबीर धार्मिक आडंबर, धार्मिक कर्म कांडों को और धार्मिक रूढ़ियों को बिल्कुल विरोध करते नजर आते हैं, तो इसमें थोड़ा फर्क है। नाथ भी तुलसी की तरह, नाथ संप्रदाय देखो, सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह हिंदू समाज की कथाओं को आधार में अपना है। देखो जो सूफी कवि है, सूफी कवि मतलब समझते हैं सूफी काव्य क्या है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जो धार्मिक आडंबर थे उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी या जो कट्टरता है, खास तौर से वहां शरीयत की जो शरीयत है उसको लेकर के इस्लाम धर्म में जो एक प्रकार से कह सकते हो कि आंदोलन चला, उसी को हम लोग सूफी काव्य कहते हैं, सूफी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी सूफी आंदोलन हुआ है जिसमें इस्लाम में एक प्रकार से नया परिवर्तन हमको देख, यानी कट्टरता इस्लाम में कम की जाती है। जैसे आप सबकी बात करें, जैसे मोहिद्दीन चिश्ती का आप सबने नाम सुनोगा या चिश्ती संप्रदाय का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वो सारे क्या है, सूफी काव्य है, सूफी आंदोलन के वो सारे लोग हैं, ठीक है। यानी इस्लाम में जो पूरा चला है, जिस प्रकार से हिंदुओं में भक्ति आंदोलन है उसी प्रकार से इस्लाम में जो आंदोलन चला है भक्ति काल में उसको सूफी आंदोलन है। वे जो सूफी कवि हैं, ठीक है, सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह है हिंदू समाज की कथाओं को आधार अपनाया है। नाथ और सिद्धि कवियों की साधना पद्धति अभ्यंजना शैली में कबीर आदि संतों की तरह काफी प्रभाव। अगर हम सिद्धि कवियों की बात करें या नाथ कवियों की बात करें तो इन्होंने कबीर की तरह ही कह सकते हैं इन्होंने ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर की प्रार्थना की है, ईश्वर की वंदना की है। अगर मैं बात करूं इसके अतिरिक्त जैसे अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, धनपत हैं, इन्होंने ये सारे लौकिक कवि हैं। अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, अलौकिक कवि का मतलब यानी जो ईश्वर में ज्यादा लीन रहते थे, यानी एक प्रकार लौकिक का मतलब समझते हो जिन्होंने ईश्वर को एक प्रकार से चमत्कारिक बताया है, चमत्कारिक शक्तियों पर जो ज्यादा विश्वास करते हैं वो अलौकिक काव्य वही है, अलौकिक में वही लोग आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में ये आएगा जरूर काव्य के रूप में। तो अब सबसे पहले हम लोग जिस काव्य को पढ़ने जा रहे हैं, सिद्धि काव्य क्या है भाई। सिद्धि देखो, सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध संप्रदाय की परंपरा से हिंदू धर्म में प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन है। तो भाई सिद्धि संप्रदाय क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड भैया, बौद्ध धर्म जो है, तो जो सिद्धि संप्रदाय को बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म की से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें, देखो एक बात बताऊं, जो सिद्धि कवि हैं या जो सिद्धि संप्रदाय है ये मंत्र के जरिए, तंत्र मंत्र के जरिए ये सिद्धि पाना चाहते थे, ईश्वर को पाना चाहते थे या मोक्ष को पाना चाहते थे। जो सिद्धि कवि हैं वो तांत्रिक क्रियाओं के जरिए या मंत्रों के जरिए सिद्धि पाना चाहते थे, इसीलिए इनको हम लोग सिद्धि कहा जाने लगा, यानी तंत्र मंत्र के जरिए, ठीक है। तंत्र मंत्र जो होता तांत्रिक विद्याओं के जरिए लोग क्या पाना चाहते थे, सिद्धि पाना चाहते थे, इनको सिद्धि संप्रदाय कहा गया। इन सिद्धियों की संख्या 84 माने गए, सिद्धियों की संख्या कितनी है, 84 है, 84 है। राहुल संस्कृतायन जो है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 84 सिद्धों का नाम का भी उल्लेख किया, यानी 84 सिद्धों का नाम भी बताया है, जिसमें सर सिपा या सबरा कल्हाण रुपया इस प्रकार के प्रमुख कवि हैं।
इन सभी सिद्धियों के नाम के आगे पा शब्द लगा हुआ। जैसे देखोगे जितने भी सिद्धि कवि थे इनके नाम के लास्ट में पा लगा है, ठीक है, सब में पा लगा होगा, ये सब खासियत है। यहाँ पर जो पा शब्द है वह सम्मान सूचक शब्द है, जैसे हम लोग किसी के सामने जी लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से भैया जो सिद्धि कवि थे या जो सिद्धि संप्रदाय था वह हर व्यक्ति के नाम के पीछे पा लगा होता था। ये क्या है, पाद शब्द को, पद पाद यानी पद शब्द को करता था। इसमें केवल 14 सिद्धों की रचनाएं अभी तक उपलब्ध है, यानी 14 जो सिद्धि कवि थे उन्होंने जो लिखा है उनकी ही रचनाएं अभी तक हमको मिली हैं। सिद्धों द्वारा जन भाषा में साहित्य को सिद्धि, देखो जो सिद्ध कवि थे जो सिद्धि कवि हैं उन्होंने जन भाषा मतलब समझते हो जो आम लोगों की भाषा थी, जो कॉमन भाषा थी, उसी भाषा में उन्होंने अपने किताबों को लिखा, अपनी बुकों को लिखा या अपने साहित्य को लिखा, उसी को सिद्धि साहित्य कहा गया। यह साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रचार करता था, यानी जो सिद्धि कवि हैं वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और बौद्ध धर्म में जो वज्रायन शाखा है उसका प्रचार करते थे, ठीक है। अनुमानता इस साहित्य की रचना सातवीं, यानी जो सिद्धि कवि है जो सिद्धि काव्य है वह भाई मेरे 7वीं सदी से 13वीं सदी के बीच लिखा गया। कब से कब तक लिखा गया भाई मेरे, जो सिद्धि काव्य है या जो सिद्धि कवि है उन्होंने जो कविताएं लिखी है वह 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच लिखे गए। कब से, 7 से लेकर के 13 शताब्दी के बीच में लिखा गया है, ठीक है। इन सिद्धि कवियों की रचनाएं प्रमुखता 2 काव्य के रूप में मिलती हैं। देखो जो सिद्धि कवि उन्होंने कविताओं को 2 रूप में लिखा है, एक तो दोहा कोश के रूप में और दूसरा 4 छाया पद के रूप में, यानी दोहा के रूप में या चौपाई के रूप में, ठीक है, जिन्हें चौपाया पद कहते हैं, ठीक है, इस रूप में लिखा है। सिद्धाचार्य द्वारा लिखित दोहों का संग्रह दोहा कोश है, यानी जो सिद्धि कवि हैं उन्होंने जो दोहे लिखे हैं उसको दोहा कोश के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा रचित जो छाया पद है उसको छाया गीत के नाम से जाना गया, यानी जो छाया पद है उसको छाया गीत के नाम से जाना जाता है। देखो अगर हम बात करोगे जो सिद्धि साहित्य है वह अर्धमग्धी भाषा में लिखा गया, यानी मिक्स लैंग्वेज में लिखा गया। अर्धमग्धी भाषा में जो सिद्धि साहित्य है कौन सी भाषा में लिखा भैया, अर्धमग्धी भाषा में लिखा गया, क्योंकि इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश है जो हिंदी की संधि काल की भाषा मानी जाता, अतः इसे संधा या सांध्य भाषा के नाम भी दिया गया है। देखो वस्तुतः सिद्धि कवियों की अभिष्टि लेखन काव्य नहीं था, वह ना तो केवल अपने विचारों को सिद्धांतों को अव्यक्त करने के लिए जन भाषा में लिखते हैं, नहीं, जो सिद्धि काव्य है ज्यादातर भैया जन भाषा में या अर्धमग्धी भाषा में लिखे गए हैं, जिनकी भाषा शैली में जो अक्खड़पन है, यानी इनकी भाषा कैसी, बहुत अक्खड़ है, बहुत कठोर लिखते हैं, बहुत मजा, ठीक है, और सीधे साधे, इन कवियों ने अपनी बात को सीधे साधे ढंग से न कह करके तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग किया है। यानी सिद्धि काव्य में देखोगे इनके जो कवि होते थे वह किसी बात को भैया सीधे सीधे नहीं कहते थे, तंत्र मंत्र का प्रयोग किए जाने के कारण विशिष्ट माध्यम का प्रयोग किया है। कबीर आदि संत की दृष्टि में यह शैली अक्खड़पन की कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है, यानी जो सिद्धि काव्य कवि है इस बात को सीधा सीधा नहीं करता था, ये भैया कैसे कहता था, तंत्र मंत्र के जरिए उस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को कहा है या कहा गया है। अगर मैं सिद्धि कवियों की बात करूं तो इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, छपाया आदि कई 100 छंदों की इन्होंने रचना की है, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया है, खासतौर से जो सिद्धि कवि हैं। अगला है भैया नाथ काव्य क्या है, सिद्धि काव्य का नाथ काव्य, नाथ संप्रदाय है, उसी नाथ संप्रदाय के द्वारा जो लिखे गए कविताएं हैं, जो लिखा गया साहित्य है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाथ काव्य के रूप में कहा जाता है। देखिएगा नाथ संप्रदाय को सिद्धि की परंपरा विकसित रूप माना गया, यानी सिद्धियों की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने में नाथ संप्रदाय का योगदान महत्वपूर्ण है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, यानी नाथ जो संप्रदाय है या जो नाथ साहित्य है उसके प्रवर्तक कौन है, उसकी शुरुआत करने वाले गोरखनाथ को माना जाता है। इस संप्रदाय के रचनाकारों ने सिद्धि साहित्य को अधिक पल्लवित यानी बढ़ाया है, इनकी साधना सिद्धि साधना से अलग है,
नाथ संप्रदाय को अनेकों नामों से जाना जाता है, यानी जो हमारा नाथ संप्रदाय है इसको भाई मेरे कई नामों से जाना जाता है, जैसे नाथ मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय के नाम से जाना जाता। नाथ संप्रदाय, नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला। नाथ का मतलब समझते हो, किसी व्यक्ति के साथ में जो नाथ शब्द लगा, नाथ का मतलब मुक्ति देने वाला, यानी ये संत बताते थे कि हम मुक्ति देने वाले हैं, किसको, समाज को, या जो लोग हैं उनके लिए मुक्ति मार्ग है, ठीक है। नाथ का मतलब मुक्ति देने वाला। नाथों ने अपने साहित्य में स्पष्ट किया है कि मुक्ति सांसारिक आकर्षों का भोग विलास है। भैया नाथ कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है सब माया है, भोग विलास है, और हम सबको सांसारिक आकर्षण से, अट्रैक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो नाथ संप्रदाय के योगियों ने निर्वृत्ति के मार्ग पर जोर दिया है, उन्होंने गुरु को ही इस मार्ग का उपदेश माना, यानी जो नाथ संप्रदाय है उसमें गुरु का जो बखान है, जो गुरु की महिमा है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। इनके साहित्य में विधिवत साधना द्वारा कुंडली जागृत करके परमानंद आदि, देखो तुमने देखा बहुत सारा जो आदमी होता, अगर तुम सबने अगर शक्तिमान सीरियल देखोगा तो वहां पर तुमने एक चीज देखी होगी कि जो शक्तिमान है, ठीक है, जो शक्तिमान है वो क्या करता है, अगर आप देखेंगे कि जब वो बैठता है और जब आंख बंद करके मंत्र पढ़ता है तो उसके देखते नहीं, यहाँ जैसे सर में इधर, यानी जो मस्तक है वहां पर देखो कैसे कुंडलियां जागृत होती। तो जो ये नाथ संप्रदाय के कवि हैं ये कहते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए और हमारी जो कुंडली है, यानी जो नेत्र हैं, भैया आदमी के बहुत शक्तियां हैं, उन कुंडलियों को जागृत करके हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये नाथ काव्य जो है, जो नाथ कवि हैं उनका कहना है, उनके अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर के उनके उपदेशों द्वारा वैराग्य, देखो नाथ संप्रदाय में क्या होता कि लोग, भैया जो गुरु होता है उससे शिक्षा लेते हैं, यानी नाथ संप्रदाय में जो गुरु होता है उससे लोग क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और वैराग्य को प्राप्त करते हैं। विरागी होने पर शिष्य प्राण साधना के माध्यम से, ठीक है, कुंडली जागृत करके अंतर्मुखी कर लेता है, उससे उसके भीतर पनव, यानी कह रहे कि इसमें क्या करना भैया, एक प्रकार से तुमको यानी घर बार छोड़ देना है, तुमको साधु बन जाना है और तुमको गुरु का गुणगान करना है और तुमको सिर्फ अपना ऐसे भगवान की तपस्या करनी है, अपनी कुंडली जागृत करनी है, उसी से तुमको आनंद मिलेगा, ठीक है। यानी घर बार सब छोड़ छाड़ देना है और तुमको जाकर के बिल्कुल साधु हो जाना है और अपनी कुंडली जागृत करो, यानी अपना ज्ञान बढ़ाओ अपना, यानी एक परमानंद को प्राप्त करोगे कुंडलिया जागृत करके। इस संप्रदाय में प्राण साधना से पहले इंद्रिय निग्रह पर बल दिया गया है, इंद्रिया निग्रह के अंतर्गत नारी से दूर रहने का, यानी नाथ संप्रदाय में बोला जाता है कि भैया नारी से दूर रहो, यानी महिलाओं से दूर रहने की बात कही गई। खास तौर से इस संप्रदाय के जो कवि थे या इस संप्रदाय के जो संत हैं उनको महिलाओं से दूर रहने की बात कही गई, ठीक है। नारी का विरोध अस्पष्ट शब्दों में किया गया है, यानी महिलाओं का विरोध इस संप्रदाय में रहा है, महिलाएं इन संतों को टच नहीं करती थी, ठीक है। उनके अन्य संत कवियों के काव्य में कह सकते कि प्राण साधना, कुंडली जागृत करना, मन साधना आदि की क्रियाओं का खूब कहा गया है और नाथ योगी कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है, यानी नाथ कवियों का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। नाथ योगियों की संख्या 9 मानी गई, जो नाथ योगी हैं वो 9 नाथ योगी हैं, जैसे नागार्जुन, ठीक है, जड़त भारत, हरिश्चंद, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चटार्थनाथ, जलंधर, यानी गोरखनाथ तो सबसे ज्यादा फेमस हुए। आप सबको पता होगा कि नाथ संप्रदाय में अगर कोई सबसे ज्यादा फेमस हुआ है तो वह गोरखनाथ हैं और इस संप्रदाय के का आचार्य गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ संप्रदाय में अगर आप देखोगे तो इस संप्रदाय का जो आचार्य है गोरखनाथ हैं और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ को उनके गुरु हैं। इस नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ का
संक्षिप्त परिचय आगे दिया गया है। यानी अगर आप देखो नाथ साहित्य में कह सकते हैं कि गोरखनाथ का एक बड़ा योगदान है। तो भैया जो नाथ कवि थे उन्होंने जो कविताएं लिखी, उन्होंने जो प्रवचन दिए, उन्होंने जो दोहे लिखे, वही नाथ साहित्य है या वही नाथ साहित्य बन गया है। ठीक है, अगला हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला हमारा है जैन काव्य क्या होता है या जैन कवि क्या होते हैं। जैन काव्य यानी जो जैन धर्म से रिलेटेड जो काव्य है वही तो जैन काव्य कहा जाएगा। इसमें रहेगा हमारा क्या है, जैन काव्य क्या होता है। देखिएगा जैन काव्य की अगर बात हूं, देखिएगा जैन काव्य के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। ठीक है भाई, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रवर्तक क्या, प्रवर्तक कह सकते हो कि एक प्रकार से इसको बढ़ाने में इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, महावीर स्वामी थे। जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया। तो भाई जो जैन काव्य है ये लोक भाषा में, लोक भाषा आम भाषा जन भाषा में, यह अपभ्रंश से प्रवर्तित हिंदी थी। इनकी अधिकांश रचनाएं धार्मिक है। यानी जो जैन काव्य है वह ज्यादा से ज्यादा कैसा काव्य भैया, धार्मिक काव्य है। धार्मिक चीजें इसमें बहुत ज्यादा है जिनमें जैन संप्रदाय की नीतियों का प्रमुख उल्लेख है। यानी जैन काव्य में अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म की जो नीतियां हैं या जैन धर्म जो है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, उसमें उल्लेख किया गया है। इन कवियों की कृतियों में रास, फागु, चरित आदि काव्य का विधिवत रूपों में प्राप्ति होती है। इन कृतियों में अगर जैन काव्य की बात करो, जैन काव्य में उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। यानी जैन लोगों को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, जैन धर्म में क्या क्या मानना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसी के बारे में अगर आप देखेंगे तो सारे उपदेश दिए गए, उसकी प्रवृत्ति की प्रधानता है। जैन चरित काव्य में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा है। यानी जैन में, जैन काव्य में देखोगे तो उसमें जो चरित काव्य है, तो जैन धर्म में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनकी कथाओं को लिखा गया, उनकी कथाओं में उनकी कहानियों का है, परंतु उनमें भी धार्मिक भावना की प्रधानता है। यानी जैन काव्य में अगर आप देखोगे तो जैन काव्य में हमें धार्मिक चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, चाहे वह उसमें प्रसिद्ध पुरुषों की कथा ही क्यों ना हो। प्रमुख रास काव्यों में प्रेम, विरह और युद्ध आदि का वर्णन है। लौकिक काव्य होने पर भी इन्हें कहीं कहीं धार्मिक तत्व है। नहीं, जैन काव्य में अगर आप देखेंगे तो हमको धार्मिक तत्व ज्यादा दिखाई देता है। कुछ जैन कवियों ने पौराणिक कथाओं के तौर पर भी प्रसिद्ध चरित्र जैसे राम और कृष्ण को भी अपने धार्मिक संतों के अनुसार ढाल गया है। नहीं, बहुत सारे ऐसे जैन कवि थे जिन्होंने अपनी कथाओं में भगवान राम या भगवान कृष्ण को भी अपने धार्मिक अनुरूप में ढाला है। यानी वैसे बनाने का प्रयास किया भाई, जो जैन कवि थे, जैन धर्म की तो सारे विचार ही अलग हैं। तो जैन एक धर्म है, तो जैन धर्म में जितनी भी धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनके बारे में जैन काव्य में हमें देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त जैन कवियों ने रहस्यवादी काव्य की, नहीं जैन कवि जितने हैं वो ज्यादातर रहस्यवादी बातें लिखते हैं। ठीक है, रहस्यवादी ज्यादा बातें लिखते हैं, रहस्यमय ज्यादा है। ठीक है, वास्तव में इनकी जो कृतियां हैं यानी इनके जो काव्य हैं भाषा में ही अधिक विशिष्ट हैं। यानी इनकी भाषा बहुत विशिष्ट भाषा है, हमको दिखाई देती है। ठीक है, इसमें युगेंद्र मुनि रचित परम परमात्मा प्रकाश या दोहा, ठीक है, तथा मुनि राम सिंह द्वारा रचित जो काव्य हैं वो बहुत विशिष्ट हैं। जैन कवियों में रासो काव्यों के अतिरिक्त जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है उसमें स्वयंभू या पुष्पदंत है। यानी जैन कवियों में सबसे ज्यादा जो फेमस कवि हैं वह स्वयंभू हैं और पुष्पदंत हैं। हम इन्हीं दो प्रमुख जैन कवियों के बारे में जानने को हमें मिलता है या जैन काव्य में इन्हीं की सबसे ज्यादा जो रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जैन काव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जिसमें धार्मिक चीजें कही गई हैं या धर्म के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। और जो सबसे ज्यादा दो ही जैन कवि फेमस हैं, पहले हैं भैया स्वयंभू और दूसरे हैं पुष्पदंत। कौन है, पहले स्वयंभू और दूसरे हैं पुष्पदंत। स्वयंभू इन्होंने अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि माना जाता है। स्वयंभू को यानी कह सकते हैं अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि माना जाता है। अनुमानता है इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ है। उनकी कृतियां 3 प्रमुख हैं। उन्होंने कई सारी जैन काव्य रचनाएं की हैं और इनको सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है। यह जैन रामायण है, यानी
जो स्वयंभू हैं इन्होंने जैन भाषा में इन्होंने राम कथा का भी गुणगान किया है, उसको लिखा है स्वयंभू। दूसरे जो कवि है पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत का आविर्भाव काल 10वीं शताब्दी से माना जाता है। यह पहले शैव थे परंतु बाद में जैन धर्म में आए थे, यानी जो पुष्पदंत है पहले हिंदू धर्म से ये कह सकते जैन धर्म में आए हैं, दीक्षित हुए हैं, और इनको भी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जैन कवि के रूप में माना जाता है जैन काव्य जो है। अगला हमारा भैया रासो काव्य। देखेगा आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो साहित्य अनेक रूपों का परिचय मिलता है। कहीं तो इसमें धार्मिक प्रधानता, कहीं पर धर्म के बारे में, और इसमें वीर गाथा बहुत है। भैया रासो काव्य वो है जिसमें राजाओं के बारे में खूब गुणगान किया गया है, जिसमें राजाओं की वीरता पराक्रम और युद्ध कितने लड़े हैं, कितने बलशाली थे, कितने पराक्रमी थे, इस रूप में राजाओं का गुणगान किया गया है रासो काव्य में। यद्यपि कुछ जैन रासो काव्य में भी चरित नायक सौर और पराक्रम का वर्णन है, परंतु उनकी कृतियों के समाप्ति अंततः वैराग्य में होती है, परंतु इन दोनों से अलग हटकर के श्रृंगार परक रासो काव्य की रचना प्रेम वियोग और पुनर्मिलन की। यानी रासो काव्य अगर देखोगे जिसमें राजाओं के बारे में खूब गुणगान किया गया, रासो काव्य में राजाओं के बारे में बातें की गई है, ठीक है, जिसमें कह सकते हो कि इसमें राजाओं के प्रेम के बारे में, राजाओं की वीरता के बारे में, राजाओं के श्रृंगार के बारे में, राजाओं के धार्मिक विचारों के बारे में, और राजाओं के उपदेश क्या हैं, वो किस प्रकार से जनता को उपदेश देते थे या आदेश देते थे, यही सारा कह सकते हो कि आपका जो हमारा रासो काव्य है उसमें है, ठीक है। देखो जैसे रासो काव्य में तीन चीजें हैं, वीर गाथा है, राजाओं की जो वीरता है, पराक्रम है, कह सकते हो जो राजाओं की जो वीरता है, जो पराक्रम है, उसको खूब लिखा गया है, इन्हें उनके वीरता के बारे में उनका खूब सारा बखान किया गया है, जो उनको बहुत उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, जो वीर यानी वीर गाथा काव्य है, यानी उनकी वीरता का गुणगान किया गया उन कविताओं में, कि राजा बहुत पराक्रमी है, बहुत लड़ाका है, इस टाइप से कहा गया है, जो वीर गाथा रासो काव्य है। फिर श्रृंगार परक रासो काव्य, जिसमें राजा का श्रृंगार परक मतलब यानी उस प्रेम के बारे में, उसके विरह के बारे में, उसकी रानियों के बारे में, यानी उस श्रृंगार परक यानी उसको कैसा उसका प्रेम था, कितनी रानियां थी, इस टाइप की चीजें उसमें श्रृंगार परक रासो काव्य है। फिर धार्मिक, यानी राजा को धार्मिक कैसा था, या रस उपदेश मूलक क्या उपदेश कैसे था, इस प्रकार का। यानी रासो काव्य की अगर हम लोग बात करें तो तीन प्रकार के रासो काव्य हैं, वीर गाथा रासो काव्य है, श्रृंगार परक रासो काव्य है, और धार्मिक उपदेशक मूलक रासो काव्य है। ये तीन प्रकार के हमको रासो काव्य देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे आप इसको देख सकते हैं तीन प्रकार के हैं। जैसे वीर गाथा रासो काव्य है, इसमें अगर आप देखोगे राजाओं की वीरता का, यानी वीर गाथा काल है, इसमें राजाओं की वीरता के बारे में खूब बात कही गई, वो कितने पराक्रमी के थे, वो कितने वीर थे, उन्हें कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कौन कौन सी लड़ाइयां जीती हैं, उन लड़ाइयों के बारे में खूब गुणगान किया गया, ठीक है, जिसमें आल्हा खंड भी आता है, जो परमाल राजा की जो बात करते हैं आल्हा गायन को बारे में इन्होंने बात, जिसमें वीरता का खूब गुणगान किया गया, जिसमें आल्हा खंड या परमाल रासो को भी हम कह सकते हैं, आल्हा गायकों के माध्यम के पद आधार में इसको खूब गाया है, समय समय विद्वानों ने रासो ग्रंथ की प्रणवता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, यानी इसमें राजाओं की खूब ज्यादा वीरता का गुणगान किया गया, अगर आप देखेंगे खूब ज्यादा वीर है इस प्रकार से। श्रृंगार परक रासो काव्य क्या है, यानी हम जिन रचनाओं का परिचय देने जा रहे हैं उसमें वीर तो है परंतु श्रृंगार हावी हो गया है, श्रृंगार परक में वियोग का भी पक्ष है, राजा जैसे भैया किसी से, नायक नायिका का जो पुनर्मिलन है वो श्रृंगार परक रासो काव्य है, राजा किसी से प्रेम करता था या उससे बिछड़ गया, ठीक है, इसमें या उससे प्रेम क्या था उसी रानियों के बारे में, या राजा 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 या जो राजकुमारियों का जो प्रेम था उसके बारे में कह सकते हो कि श्रृंगार परक रासो काव्य, जिसमें जायसी की पद्मावत को भी हम लोग उल्लेख कर सकते हैं, या कालिदास का जो मेघदूतम है, या अगर मैं कालिदास की बात करूं जो अभिज्ञा शाकुंतलम है, जिसमें अभिज्ञान और शकुंतला के प्रेम के बारे में लिखा गया है, तो ये सारे क्या हैं, ये श्रृंगार परक रासो काव्य हमको, ठीक है, धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य का है। धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य का मतलब है जिसमें राजा धार्मिक उपदेश देता है, या राजा धार्मिक क्रियाकलापों को ज्यादा करते हुए हमको दिखाई देता है, जिसमें वीरता तो कम लेकिन राजा एक प्रकार से धार्मिक प्रधानता या धार्मिक
चीजें उसमें ज्यादा दिखाई देती हैं, उसको हम धार्मिक या उपदेश मूलक रासों काव्य में कहा जाता है। अगला हमारा है लौकिक साहित्य। क्या है भैया लौकिक साहित्य? देखिएगा, इससे पहले हम जिन प्रवृत्तियों की रचना चर्चा की है वह विषय से संबंधित, जैसे नाथ सिद्धि और जैन साहित्य, साहित्यिक धर्म विषय से, चरण कवियों की वीर गाथा तो कविता लिखने से। इसके अतिरिक्त आदि काल में एक लौकिक साहित्य भी था। भैया आदि काल में एक लौकिक साहित्य है, इस साहित्य के अंतर्गत जनता के मनोरंजन के बारे में खूब साली पहेलियां या कह सकते हंसी मजाक मनोरंजन टाइप की चीजें खूब लिखी गई। दूसरी ओर भक्ति और श्रृंगार की प्रवृत्ति से लेकर के विद्यापति ने साहित्यिक रचना की है। धनपत नामक जैन कवि ने सामान्य व्यक्ति के काव्य को नायक और नायक बनकर के नवीन प्रवृत्ति आरंभ की है। इन्हें विशिष्ट बात, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो लौकिक साहित्य उसमें अमीर खुसरो का बड़ा योगदान है। किसका भाई मेरे? अमीर खुसरो का जो आविर्भाव है वह 1255 से लेकर के, इनकी मृत्यु बताई जाती 1325 में थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, ठीक है। आदि काल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो, भैया कह सकते आदि काल में अमीर खुसरो पहले ऐसा कवि था जो हिंदी में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे। शुद्ध हिंदी जो हम उसी को हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, एक मुस्लिम होकर के भी जिन्होंने हिंदी में लिखा, ठीक। बाकी तो उस टाइम सभी लोग फारसी में लिखते थे, ठीक है। उन्होंने खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता, किसको? अमीर खुसरो को, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, तुर्की भाषाओं में भी उसको काफी अच्छा ज्ञान था, अनेक उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। ऐसा माना जाता कि अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। भैया कितने? 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने, जिनमें से 20-22 ग्रंथ ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगले जो बहुत कवि है, फेमस कवि है विद्यापति। विद्यापति का जन्म 1350 से माना जाता है। इनका निवास स्थान दरभंगा जिला वर्तमान में मधुबनी से माना जाता है, ठीक है। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की काव्य की रचना, विद्यापति को खूब, इनका भी काफी नाम आता है और एक कृष्ण भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति खूब करते थे। हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया गया है। इनके प्रथम आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह थे, राजा के यहाँ रहते थे, बाद में मिथिला के राजा शिव सिंह के यहाँ चले गए थे। रानी लक्ष्मी देवी भी इनकी विशेष भक्त थी, यानी राजा की जो रानी थी इनकी कहते भैया विशेष भक्त थी, ठीक है। विद्यापति ने अधिकांश ग्रंथों की रचना, विद्यापति ने जितने ग्रंथ लिखे हैं ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे भैया किसमें लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। या इन्होंने हिंदी भाषा में भी, हिंदी साहित्य में भी कुछ लिखे हैं। और अगले हैं धनपत। धनपत कह सकते हो कि भाव सैनी भविष्य दत्तक कथाओं को इन्होंने खूब लिखा है और इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा है, इनको कह सकते हैं। और ये खास तौर से जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से दीक्षित थे। कौन थे? धनपत, यानी जैन धर्म जो है उसमें दिगंबर संप्रदाय उससे दीक्षित थे। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है। अगर हम धनपत की बात करें तो काफी है। खास तौर से अगर मैं बात करूं, जो मैंने लौकिक साहित्य क्या होता है, रासो साहित्य क्या होता है, रासो काव्य क्या होता है मैंने पढ़ाया। दूसरा अगर आप देखेंगे जैन काव्य क्या है, ठीक है, उसके आधार पर नाथ काव्य और सिद्धि काव्य, ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाएगा। खास तौर से अगर बात करूं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी में से आता है, काव्य धाराएं क्या हैं, जिसमें से आपको, जैसे अगर काव्य धारा पूछेगा तो आपको सब बताना पड़ेगा जितना यहाँ पर लिखा है। अगर आपसे पूछा सिद्धि काव्य क्या है, नाथ काव्य क्या है, जैन काव्य क्या है, रासो काव्य क्या, अलग अलग पूछेगा तो आपको 10 नंबर में पूछेगा। अगर पूरा पूछेगा तब वो 20 नंबर में आता है या उनकी आने की संभावना रहती है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका सेकंड था, इसका पहला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है और इसका तीसरा भी लगभग हो चुका है। आप दोनों जाकर के जरूर देख सकते हैं। अभी तक मैंने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मैंने करवा दिया है और आप इनका वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर